एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं हमारे न्यू एल्बम सॉन्ग की शूटिंग, और ये सॉन्ग कोई रोने धोने वाला नहीं होने वाला है, ये डीजे सॉन्ग होने वाला है। आप लोगों ने हमारा एक और हिट सॉन्ग सुना होगा, डीजे पर नाचेंगे हम दिल को, ये उसी टाइप का सॉन्ग होने वाला है। तो आज हम लोग उस सॉन्ग की शूटिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस सॉन्ग के लिए कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी ड्रेस रखी हुई है, ये रेड कलर की ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ। ये इसका ब्लाउज है और ये लहंगा है, और मैं पहन करके इसको तैयार होने वाली हूँ। और ये जो लहंगा जो आप ऊपर का देख रहे हो ब्लाउज़, ये बहुत छोटा साइज आ रहा था मेरे, तो इसलिए मैं इसको नहीं पहन पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि ये एक और घर में मेरे पास एक एक्स्ट्रा ब्लाउज रखा हुआ था, तो मैं इसी को पहनने वाली हूँ उस लहंगे के साथ। तो चलिए गाइज, अब मैं जल्दी से फटाफट रेडी हो जाती हूँ और फिर आपको रेडी होकर दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, और वंदना शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी मुझे तैयार कराने में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंदना ने मेरे लिए ये बना दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वंदना ने मेरे लिए बना दिया है ये खूबसूरत सा चूड़ी सेट, जिसे को मैं पहनने वाली हूँ। और अब किस चीज़ की तैयारी की जा रही है मुझे, हाँ अब मुझे ना फेस वॉश करना है, क्योंकि गाइस जल्दी से मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, फेस वॉश नहीं क्या फाउंडेशन लगा लेती हूँ, फेस वॉश तो मैं नहा के आ रही हूँ। आने वाले हैं आई लाइसेस। गाइज आप क्या बोलते हो, बिल्कुल पार्लर जैसा मेकअप हो रहा है कि नहीं? इसके बाद यहाँ पे उठा लिया ये आई शेडो लगाने के लिए, और हम लोग लहंगे की मैचिंग का आई शेडो लगा रहे हैं। गाइज पार्लर पे फालतू पैसे जाते हैं, आप घर पे ही मेकअप करवाया करो। अगर आपको आता है तो आपकी फैमिली मेम्बर से, अगर नहीं आता तो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप पार्लर भी जा सकते हो। वंदना ने कभी पार्लर पे मेकअप कराया है? तुम्हारी शादी में, लाइफ में फर्स्ट टाइम, बस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गाइज अब वंदना का हम लोग नेक्स्ट सॉन्ग शूट करेंगे ना, तो हम वंदना का पार्लर पे एकदम मेकअप कराएंगे, ब्राइडल वाला। ब्राइडल वाला करना है, ब्राइडल वाला करना है क्या? देख ही जाएंगे फिर ब्राइड वो ग्रूम कौन बनेगा, है ना, ले लेंगे किसी को गुनाह में, है ना। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है जो कि मेरा मेकअप देखने लग रही है। कैसा मेकअप करती है वंदना, बोल के बताओ, बोल के। वेरी गुड। और हमारे पिछले जो भी सॉन्ग की शूटिंग हुई, जितने भी बच्चों का मेकअप रहता था, सारा मेकअप वंदना ही करती थी, शी इज़ टू गुड इन मेकअप। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, और अब मेरे किए जा रहे हैं हेयर कर्ल्स, और यहाँ पे ये साक्षी भी रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स फाइनली आई एम ऑलमोस्ट रेडी, और बस 5-10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अपना सामान वामान पैक करके, तो फिर मिलेंगे आपको शूटिंग लोकेशन पे। दोस्तों अभी हम एक महल गए हुए थे, वहाँ पे हमें महल में परमिशन नहीं मिली जाने के लिए, तो हम लोग दूसरी जगह पे आए शूटिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ का रोड भी ब्लॉक है, आधा घंटा लग जाएगा, तब तक हम लोग यही गुजार रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले गांव में देख के आई कि कहीं कोई अच्छी लोकेशन हो तो हम लोग वहाँ पे कुछ शूट कर सकते हैं, कोई शॉट ले सकते हैं, तो मुझे फाइनली एक लोकेशन पसंद आ गई, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं और एक शॉट हम लोग वहाँ पर ले कर आने वाले हैं। तो हो गया पेट भरा, हो गया फुल एनर्जेटिक, नींद लग गई थी मेरी, नींद लग गई थी, ये बोधर ट्रैफिक लगा हुआ है वहाँ पे वेट करते करते। तो एनीवेज दोस्तों अभी मैं अपनी हेयर स्टाइल सही कर लेती हूँ और हम लोग जाते हैं शॉट लेने। दोस्तों सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह का जल लिया जा रहा है, और मेरा बेटा हमेशा खुश रहे किचन में। ये गाइस वंदना आ गई है कुछ मांगते हुए, जल मांग रही है, मैं नहीं लूंगी जल क्योंकि मैंने नहाया नहीं है, और ये लोग सुबह सुबह नहा धोकर किचन में आ गए हैं खाना बनाने। चलिए पूछते हैं आज खाने में क्या बनाया जा रहा है, क्या राजस्थान की फेवरेट पितौड़ की सब्जी, काय की पितौड़ की सब्जी, पितौड़ वंदना डू यू नो अबाउट दिस सब्जी पितौड़? मैं तो नाम ही फर्स्ट टाइम सुनी, मैं तो नहीं जानती, भगवान नाम ही पहली बार सुन रही है, पता नहीं कैसी लगी, मैं भी नहीं जानती कैसी सब्जी होती है पितौड़। गाइस चलिए देखते हैं कैसी बनती है सब्जी और फिर आपको टेस्ट भी बताएंगे। देखो रहा है मसाला फ्राई, और देखिए गाइस इधर बताना, ये देखिए यहाँ पर कटिंग चल रही है, किसी कटिंग चल रही है पितौड़ की, इधर शक्ल बता करके
पितौड़ की कटिंग, पितौड़ की साइज सुनिए आपने, मैंने तो कभी भी नहीं सुना ये सब। और यहाँ पर ये देखिए मसाला फ्राई हो रहा है, और इधर देखिए ये बंदना बाहुबली। और यहाँ पर देखिए हमारी ये सब्जी बन गई, क्या बोलते हैं इसको, पिसोड़ बोलते हैं। और यहाँ पर बन गई आलू सब्जी, उनके पापा जी नहीं खाते। यहाँ पर ये देख सकते हैं गाइस आप दीदी की पोजीशन किस तरह खाना बैठकर खाती है, कोई भी इस तरह बैठकर ना खाए। और आज खाने में ये पीला पीला बेसन का कुछ बनाया है, ये आप देख सकते हैं, मस्त मटन है, मटन है ये कुछ गाइस, मटन नहीं है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। इसको चितौड़ बोलते हैं, पिटौड़। कैसी लगी सब्जी जी के हाथ की? सुपर। तो गाइस ये सारी सब्जी सिर्फ और सिर्फ जीजू ने बनाई है, और यहाँ पर मम्मी बना रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। सो फ्रेंड्स, सुबह का हो चुका है लंच, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं शूटिंग के लिए, हमारे न्यू डीजे सॉन्ग की शूटिंग के लिए। और इस सॉन्ग में निखिल भी आने वाला है। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के डेढ़ दोपहर के डेढ़ बज चुके हैं, और निखिल अभी तक आया नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी हो चुके हैं हम लोग लंच से फ्री, और अभी बज चुके हैं दोपहर के डेढ़, और आज हम लोग शूटिंग करने वाले हैं हमारे न्यू डीजे सॉन्ग की। तो आज इस सॉन्ग में हम लोग निखिल को लेने वाले हैं। निखिल अभी गुना से आने वाला है, और निखिल गुना गया आज, और उसको आज ही जाना था। हम लोगों ने उसको मना किया था कि गुना मत जाना, इसके बावजूद भी वो गुना चला गया। और हम लोग शूटिंग में बहुत लेट हो चुके हैं, और फिलहाल हम वेट कर रहे हैं निखिल का। पता नहीं दरवाजे पे कौन आवाज़ें देने लग रहा है, चलिए मैं देख के आती हूँ कौन आवाज़ दे रहा है। ये कौन आ गए फालतू के बच्चे, इनको किसने बुलाया? ये कौन आ चुका है, तुमको किसने बुलाया था? अरे किसने बुलाया था? और तो कोई नहीं है ना, बच्चे आ चुके हैं, और बस निखिल की देरी है। बस निखिल भी कुछ ही देर में आने वाला है। यहाँ पे चल रही है शूटिंग, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन समथिंग अबाउट योर शूटिंग? वी आर मेकिंग शॉर्ट वीडियोस ऑन ब्रदर सिस्टर रोल। ओके कंटिन्यू। लाओ चश्मा दो, हमारा चश्मा किससे पूछ के उठाया तुमने, इधर दो पागल, कार्तिक पागल। तो फिलहाल मैं लेके आ गई थी वंदना के ये स्नैक्स, और ये स्नैक्स खा रही हूँ, साथ में मेरे साथ मम्मी भी खड़ी हुई है। लोग खाओगी? मम्मी ने ऑलरेडी निकाल लिए हैं और खा रही हैं वो, और बस निखिल का वेट किया जा रहा है। निखिल जल्दी से आए फिर मैं उसको रेडी करूँगी। निखिल को ड्राइव इन को देखना, इनकी शादी हो गई क्या? लगती है कि इनकी शादी हो गई, कोई भी नहीं बोलता कि ये शादी हो गई इनकी। और इनकी रहना देखिए, कुछ भी नहीं पहनती ये देखना, और ये कुछ भी नहीं है। ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया भगवान।